I'm gonna go get some more.
श्री श्रीमन श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे ऐसी कृपा की वाचा करता हूँ। नित्यला प्रविष्टोम विष्णु पाद स्तोत्र शब्द श्री श्रीमन श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी ऐसी कृपा की वाचा करता हूँ। आप सब भक्त को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। अभी हम बहुत विशेष स्थान पे विशेष समय पे आए हैं। अभी देखो समय क्या हो रहा है, लगभग 12:30 और यहीं पे ही भगवान का इस समय भोग की आरती होती है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ी ही सुंदर आरती लिखी है, भज भगत वत्सल श्री गौर हरि सोही गोष्ट बिहारी नंद यशो मति चित हारी। इस समय क्या होता है, कृष्ण बाहर खेलने गए हैं तो मैया क्या करती है, मैया कृष्ण को बुलाने के लिए भेजती है। रोहिणी मैया कृष्ण को लेके आती है। उसके बाद क्या होता है, नंदेर निर्देशे वैसे गिरिवरधारी नंद महाराज जी के आज्ञा के क्या होता है, कृष्ण को बोलते हैं बैठ जाओ भोजन करने के लिए। तो कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ बैठ के यहाँ पे बड़ा ही सुंदर भोजन की लीला करते हैं। पास में ही बरसाना है। अभी हम लोग गए थे जावट, हम सुन रहे थे ना, महाराज जी ने बताया था कि कैसे सर्प आ जाता है और सर बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम इसको रोज कहाँ पे भेजना, नंदगांव भेजना भोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे रोज सुबह जावट से, जावट पास में ही अभी हम आए, रोज सुबह जावट से राधा रानी यहीं पे आती है और यहाँ पे राधा जी आके कृष्ण के लिए पकवान बनाती है। तो यहीं पे ही पीछे पाकशाला भी है जहाँ पे राधा जी पकवान बनाती है। और जब राधा जी वहाँ पे पकवान बनाती है उसके बाद बहुत थक गई, उसके बाद यहीं पे ही इसी स्थान पे ही राधा जी की विश्राम थली भी है। ये नंद महाराज जी का बहुत बड़ा महल है। तो यहाँ पे यशोदा मैया ने राधा जी के लिए एक विश्राम स्थली भी बनाई है कि जब राधा जी आएंगी इतनी दूर से इतने सारे पकवान बनाएगी तो यहीं पे बैठ के वो कुछ समय विश्राम करती है। अब कृष्ण जब यहाँ पे भोजन करते हैं, भोजन करते करते क्या होता है, राधिका आदि गण हेरे नयने रकोने तृप्त हय खाए कृष्ण यशोदा भवने। कृष्ण यहाँ पे भोजन कर रहे हैं और राधा जी की जितनी भी सखियां हैं एक दूसरे स्थान पे खड़े होके अपने कोने से, क्योंकि स्पष्ट रूप से एकदम साक्षात कृष्ण को देख नहीं सकती तो आंखों के कोने से कृष्ण के दर्शन करती हैं और कृष्ण भोजन कर रहे हैं। अब जब कृष्ण भोजन कर रहे होते हैं, जैसे मानो हमने किसी के लिए कुछ भोजन बनाया, अब हम जब उसके फेस के एक्सप्रेशन देखेंगे तब पता चलेगा ना कि कैसी रसोई बनी है। तो कृष्ण जब भोजन कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे कृष्ण एक एक स्वाद स्वादु स्वादु खाते रहते हैं और राधा जी देखते कि कृष्ण के चेहरे पे किस प्रकार से एक हर्ष उल्लास आ रहा है, उसको देख के राधा जी को और आनंद मिलता रहता है। अब उतने में ही क्या होता है, मैया ने सबके लिए खाना परोस दिया। अब उतने में जो मधुमंगल बैठे हैं, मधुमंगल क्या कहते हैं, मधुमंगल बोलते हैं अरे ये घी के अनु पकवाने वाले जो घी के आ रहे हैं इनको पचने वाले नहीं है, जितने भी घी की मिठाई और सब वस्तु बनी है मुझे दो, इनको तो केवल क्या दो, इनको तो केवल दाल और चावल ही खिलाओ कृष्ण और उनके सारे सखाओं को, मुझे क्या दो जितने घी के पकवान हैं मुझे दो। उतने में क्या होते हैं सबकी थाली में कुछ ना कुछ डला हुआ खाने के लिए। अब ये होता है कि कौन सबसे पहले खाएगा, तो मधुमंगल क्या कहते हैं, मधुमंगल कहते हैं वो देखो ऊपर आसमान में देखो वहां पे देखो, तो ऐसे सारे सखा क्या करते हैं एकदम ऊपर देखते हैं, मधुमंगल अपनी थाली में से निकाल के सबकी थाली को थोड़ा थोड़ा डाल देता है और बोलते हैं देख मैया मैंने कहा था नहीं कुछ खाने वाले लोग तो है नहीं, इतने में उन्होंने खाना भी शुरू नहीं किया और मेरी थाली पहले ही खत्म हो गई। और यहाँ पे सारे सखा बड़ा ही सुंदर भोजन का रस पान कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक बड़े ही सुंदर लड्डू जो भी हम सुन रहे थे मनोहर लड्डू जो राधा जी बनाती हैं, वही लड्डू जब आते हैं खाने के लिए तो मधुमंगल बोलते हैं कि देखो ये जो लड्डू है लड्डू आप इनको लड्डू मत खिलाओ, लड्डू सारे मुझे खिला दो। और लड्डू खाने के बाद क्या होगा, मेरे में ऐसी शक्ति आएगी मैं कृष्ण को आलिंगन करूंगा बलराम को आलिंगन करूंगा, इससे ये भी सब शक्तिशाली हो जाएंगे, ये लड्डू तो मेरी संपत्ति है। तो सारे सखाओं के साथ बैठ के कृष्ण बड़ा ही सुंदर यहाँ पे अपना भोजन विलास की लीला करते हैं। और उसके बाद राधा जी उन सारी लीलाओं को देख रही होती है। उसके बाद एक धनिष्ठा सखी है, ये धनिष्ठा सखी क्या करती है गुप्त रूप से
चुपचाप से क्या करती है, कृष्ण का जो प्रसादी है चुपचाप से कृष्ण की प्रसादी जाके राधा जी को दे देती है। और फिर राधा जी क्या करती है, राधा जी उस प्रसादी को लेके क्या है वो सब धन यशोमती आज्ञा पे यशोमती आज्ञा पाए धनिष्ठा श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुजे हाय प्रीता की उस प्रसाद को राधा जी को दे देती है। और फिर राधा जी क्या करती है, उस प्रसाद को पाने के बाद ललिता जी को देती है, विशाखा जी को देती है, करते करते फिर रूप अंजनी जी के पास जाता है, फिर करते करते कहाँ पे आता है, रूप मंजरी जी के पास, फिर आगे उसी क्रम में नीचे आता है नयन मंजरी के पास, फिर आता है विनोद मंजरी के पास, फिर आता है रमन मंजरी के पास, फिर आता है हमारे श्रीधर महाराज जी के पास। तो इसी गुरु परंपरा से क्या होता है, ये प्रसाद प्राप्त होता है। और उसके बाद कृष्ण फिर क्या करते हैं, भोजन करने के बाद यहीं पे ही कुछ समय के लिए फिर विश्राम करते हैं। तो ये जो समय है जिस समय पे माँ के पूजे हैं यहीं पे ही क्या होता है, इस समय कृष्ण की भोजन की बड़ी ही सुंदर लीला होती है। और यहाँ पे बताया कि ये जो नंद पर्वत है बिल्कुल ही सामने अगर आप देखोगे तो विष्णु पर्वत है, दोनों बिल्कुल आमने सामने है, यहीं से ही बरसाना का भी दर्शन होता है। और इसके और बरसाना के बिल्कुल बीच में ही राधा जी के कृष्ण का मिलन होता है, जिसको बोलते हैं संकेत। वहीं पे दोनों मिलके आपस में संकेत से बातें होती है, वहीं पे आके मिलते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग नीचे जाएंगे, बहुत सारे और दर्शन है। एक छोटी सी लीला को बोल के वाणी को विश्राम दूंगा। एक दिन इन पे यशोदा मैया एक पेटी के अंदर माता जी का मोबाइल मिल गया, कहाँ पर ठीक है 1100 का चलान कटवाने का। तो क्या हुआ, यशोदा मैया क्या कर रही है, एक पेटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रोज राधा जी आती हैं और बहुत सारा सुंदर सुंदर पकवान बनाती हैं। तो जब भी राधा जी यहाँ पे आती है, यशोदा जी राधा जी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि जटीला कुटीला जो है बहुत लालची है। और उनको भी पता है कि आज राधा जी अगर भोजन बनाने जा रही है तो क्या आएंगे, हमारे लिए बहुत सारे सोना चांदी गहने अलंकार आएंगे। तो राधा जी आज पेटी के अंदर बहुत सारे अमूल्य रत्न और बहुत सारी साड़ियाँ, बहुत सारी मिठाई, पूरी पेटी तैयार कर रही होती है। कृष्ण छोटे से आते, मैया तो क्या कर रही है, अरे तुमको पता नहीं कि मैं जटीला कुटीला के पास राधा जी के लिए आज घर पे बड़े सुंदर सुंदर आज मैं ये सामान भेज रही हूँ। उतने में ही क्या होता है, यशोदा मैया से बाहर कोई मिलने के लिए आ जाता है। जैसे कोई मिलने के लिए आ जाते हैं, कृष्ण उस पेटी में घुस जाते हैं और पेटी को बंद कर देते हैं। अब यशोदा जी फिर क्या करती है, पेटी बंद होकर उसमें सारा सामान आ गया है, कृष्ण उस पेटी में छुप चुके हैं। उतने में ही आता है अभिमन्यु, अभिमन्यु यहाँ पे आता है उस पेटी को लेने के लिए, किसको देने के लिए, राधा जी को देने के लिए। तो अभिमन्यु उस पेटी को अपने सर पे उठा के यहाँ से जाता है जावट, जहाँ से भी हम लोग आए हैं, और वहां पे जाके वो पेटी किसको दे देता है, राधा जी को। राधा जी को बोलते हैं कि ये पेटी भेजी है यशोदा मैया ने आपके लिए, इसमें बहुत सारे अलंकार है, जिस अलंकार से राधा जी क्या करेगी, अपना अलंकृत होंगी। अब राधा जी उस पेटी को जब अपने पास रखती है, वहां पे ललिता विशाखा सारी सखियां हैं और सब बड़ा आश्चर्य होती है, इतनी बड़ी पेटी आई है, इसमें तो बहुत सारा आज श्रृंगार का सामान निकलेगा। जैसी उस पेटी को खोलते हैं तो उस पेटी में से कौन निकलते हैं, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ही निकलते हैं। तो यहाँ पे अनेकों अनेकों लीलाएं हुई है। और बताया कि हमारे कृष्ण जो है वो बहुत दयामय है। करम बंद ज्ञान अंध आवेशे मानव अंध, ताहे कृष्ण करुणा सागर, पाद पद्म मधु दिया अंध भाव गुचाहिया, क्रमे करे निज अंतपुर। कृष्ण कैसे हैं, करम अंध ज्ञान अंध, हम सब लोग अंधे हैं, कोई संसार के कर्मों में अंधा है तो कोई ज्ञानी बन के ज्ञान में अंधा हुआ पड़ा है। बताया कर्मी भी अंधे हैं, ज्ञानी भी अंधे हैं, उनके ऊपर कौन कृपा करता है, ताहे कृष्ण करुणा सागर, उनके ऊपर भगवान कृष्ण साक्षात करुणा के सागर हैं। और कैसी करुणा करते हैं, बताया करम अंध ज्ञान अंध आवेशे मानव बंध, ताहे कृष्ण करुणा सागर, पाद पद्म मधु दिया। भगवान कृष्ण हम जैसे जीवों को अपने पाद पद्म का मधु का पान कराते हैं, और क्रमे करे निज अंतपुर, और क्रम से धीरे 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 क्या करते हैं, फिर अपने ही निज अंतपुर में हमको प्रवेश कराते हैं। अभी जो हम ये परिक्रमा कर रहे हैं, जितना भी कष्ट कर रहे हैं, जैसे देखो अगर कोई हमारी प्रीति के लिए कुछ कष्ट करता है तो उसको देख के हमारे हृदय में क्या आ जाती है, दया आ जाती है। तो हम जैसे बद्ध जीव भी जब हमारे लिए कोई कष्ट करते हैं उसको देख के दया आ जाती है, तो जब हम भगवान कृष्ण के धाम में आए हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, तो बताओ भगवान कृष्ण के हृदय में दया आएगी नहीं आएगी, अवश्य आएगी। इसलिए जितना ज्यादा कष्ट करोगे उतनी ही ज्यादा दया मिलती है। तो बताया कि भगवान कृष्ण बहुत करुणापूर हैं, और क्या करते हैं, अपने चरणों का अमृत पान करा के जीव को अपने ही धाम में गति देते हैं।
तो यहीं पे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण जो कि साक्षात करुणा के सागर है, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमें भी ब्रज भाव की किसी जन्म में प्राप्ति हो, गुरु वैष्णव का स्मरण मिलता रहे। इसी के साथ में वाणी को विश्राम देता हूँ, नीता एक और प्रेमानंद दे। बोल सकता हूँ, बोल सकते हो, बोल सकते हैं, कौन बोल सकता है यहाँ हमारे? हरे कृष्णा बोल, हरे हरे राम राम राम, जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम नंदगांव, और ये भी आशीश्वर पर्वत भी है। कल एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की। कल किसको तपस्या की? बल भगवान श्री राधा कृष्ण को उन्होंने कठोर तपस्या की। जब तपस्या की, अभी ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले ब्रह्मा को, बोले प्रभु हम चाहते हैं आपकी चरण की हम सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। बोले बसाओ किस रूप में मेरी चरण की सेवा करना चाहते हो? देखो ये वृंदावन धाम, ब्रज धाम की कितने महत्व, ये चीज को समझो। जो जगत में सृष्टि करता कौन है? पितामह ब्रह्मा। पालन करता कौन है? भगवान विष्णु। और संहार करता कौन है? अरे बोलो जोर से, शंकर जी। लेकिन जो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले, ये ब्रज धाम की महिमा को समझो, इन्होंने किस रूप में जन्म लेने का प्रार्थना की। शंकर जी कहते प्रभु जी अगर मैं पर्वत रूप में प्रकट हो जाऊं, अगर आप मेरे सर के ऊपर में प्यारी प्यारी मीठी मीठी लीला करोगे, फिर तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए ये स्वयं शंकर जी की जो पर्वत है, इसका नाम नंदीश्वर पर्वत है, नंदगांव है, नंदीश्वर पर्वत है। उस तरफ में जो शंकर जी वो नंदीश्वर महादेव है, ये शंकर जी स्वयं ये पर्वत रूप में प्रकट हुई। कल हम लोग कल जाएंगे ब्रह्माचल पर्वत, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत रूप में प्रकट हुए। उसको बाद में हम जाएंगे श्री विष्णु पर्वत, स्वयं विष्णु ही ये गिरिराज गोवर्धन रूप में स्वयं विष्णु प्रकट हुए। इसलिए अभी हम जहाँ पर बैठे हुए है, ये स्वयं शंकर ही ये पर्वत रूप में प्रकट हुए। उस तरफ में नंदीश्वर महादेव, दर्शन किया कि नहीं? नहीं दिया, क्योंकि हमारे पीछे पीछे नहीं जाओगे ना, फिर तो कहीं फंसोगे। इसीलिए जिधर हम जाएंगे ना, वहीं पर आप लोग बैठना है, नहीं तो इधर उधर जाओगे फिर फंसोगे जाके। इसलिए उस तरफ में वो नंदीश्वर महादेव है, ये शंकर जी यहाँ पर। स्वयं जब शंकर जी को पता चला मेरे प्रभु जन्म ग्रहण किए है, स्वयं शंकर जी अलग निरंजन बोल करके शंकर स्वयं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने के लिए आए, लेकिन कुछ दिन पहले कृष्णा पुतना को मार डालते। मैया जसोदा नंद बाबा बोले देखो एरे गेरे व्यक्ति को अंदर में घुसने मत दिया करो, क्योंकि ये पुतना ये बड़ी सुंदरी सद्धर करके आई थी, लेकिन निकली कौन? बोले ये राक्षस निकली, इसलिए एरे गेरे व्यक्ति को घुसने मत दिया करो। इतने में शंकर जी आए, लेकिन इस शंकर कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम शंकर है, लेकिन उनका ऊपर का जो ड्रेस है ना, देखने से बड़ा अभद्र है। बताओ शंकर जी का अलंकार क्या है? साफ ही साफ है, हैं? लेकिन शरीर में क्या स्नो पाउडर क्रीम लगाते हैं? क्या लगाते हैं? बहुत ही कहाँ के शमशान के लगाते हैं। बोले क्यों? दुनिया को शिक्षा देते हैं, जिस शरीर को तुम इतने ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो, जिम में ले जाते हो, रोज च्यवनप्राश खाते हो, ये शरीर का परिणाम एक दिन दो मुट्ठी राख और कुछ नहीं। इसलिए गले में उन्होंने हाटी की माला धारण करते हैं, क्योंकि ये शरीर का परिणाम दो टुकड़े हाटी है। इसलिए शंकर जी कोई सोने चांदी को नहीं धारण करते हैं, किसको धारण करते हैं शंकर जी? सर्प। सर्प कौन है? ये अनंत देव शंकर जी गुरु है। कहते अगर जीवन का भूषण बनाओ तो किस चीज के भूषण बनाओ? बोले गुरु जी के उपदेश को भूषण बनाओ। लेकिन अगर सोने चांदी अगर धारण करोगे ना, देखना मरने से पहले सब निकाल लेंगे, हैं? सब के सब निकाल देंगे। अगर माता जी मर रही है, शरीर छोड़ नाक में मन भेसर है, इधर तो बहू रोती है, सांस चली गई, लेकिन उधर बेटे को बोल ध्यान रखना माँ के नाक में भेसर निकाल देना।
हाँ भैया के नाक में छोटा सा बेसर, उसको भी जाने नहीं देंगे, हाँ उसको भी जाने नहीं देंगे। इसलिए साथ में क्या जाएगा, भगवान की नाम ही जाएगा। इसलिए शंकर जी जब आते हैं ना, इनको देख करके तो मैया डर जाती है, हैं? बस भैया लाला का शंकर जी कहते हुए तो बड़े दूर से आया हूँ, लाला को दर्शन करा दो, हैं? लाला को दर्शन, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदर थी, निकली राक्षसी, और तू तो देखने में ऐसे लग रहा हो, तेरे को देख करके मेरे जी घबरा रहा है, और हमारे लाला तो छोटे हैं, बड़े जल्दी नजर लग जाती है। इतने में शंकर जी सोचते हैं, इनको पता नहीं शंकर जी कौन है, देव देव महादेव, जोगी जोगी महायोगी, इनको पता ही नहीं। इतने में मैया जसोदा कृष्ण को लेकर कोड़े में छुपा देती है, शंकर जी यहीं पर बैठ करके त्रिशूल गाड़ कर बैठ जाते हैं। भले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा ना, यहाँ हटने वाले नहीं, यहाँ से हटने वाला नहीं। मैया कहती है अगर तू हटोगे नहीं, यहाँ चार दरवाजा हम दूसरे तरफ निकाल दूंगी। बोले मेरे भी चार रूप है, चार रूप लेकर बैठ जाऊंगी जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। बोले किधर बैठेगा? बोले मेरे 11 स्वरूप है, कहते हैं 11 रुद्र, 11 रुद्र है, कहीं से भी निकालोगे तो जरूर मैं कृष्ण को दर्शन करूंगी। इसलिए शंकर जी बैठ करके ऐसे उन्होंने डम्बर उन्होंने बजाए, कृष्ण जितने डम्बर का आवाज सुने उतना जोर जोर से रोए, जितने थक थक लगाए उतना जोर से रोए, रोना बंद नहीं हो रहा है किसी तरह से। इतने में एक गोपी बोली भैया ये जो बाबा है ना वो बैठ करके आंख बंद करके पता नहीं ये डम्बर बजा रहे हैं, कहते लाला को जब तक दर्शन नहीं कराऊंगे तब तक यहाँ से मैं हटने वाला नहीं। इतने में मैया जसोदा कृष्ण को काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा देती है, काजल लगा बूंद लगा करके बड़ी कठिन से लेकर के आती है, और शंकर जी को एक झलक दर्शन कराने पर बास कन्या तो अभी तक रो रहे थे, इतने में कृष्ण खिलखिला कर हंसने लग जाते हैं, और शंकर जी हंस रहे थे रोने लग गए। मैया सोची बाबा के पास जरूर कोई जादू बनाए, लाला का रोना देख करके अपना हंसना दे दिया, मतलब ये कुछ जानता है। अगर माता को पता चले बाबा हाथ देखना चाहते जादू बनाना ना, माता गिर थी, बोले बाबा मेरे पर हाथ देख लो बता दो क्या होने वाले हैं। इतने में मैया बोले बाबा मेरे लाला को आशीर्वाद दो। बोले क्या आशीर्वाद? बोले लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले अगर एक काम करोगे ना। बोले क्या करोगे? बोले अगर तुम्हारी यहाँ पर जब तुम स्नान करोगे वो स्नान का पानी ला करके अगर मेरे सर पर डाल दोगे फिर तो लाला के ऊपर नजर उतर जाएगा। बोले बाबा सो कर दूंगा, ये काम सारे ए बच्चों के साथ कोई बात करोगे मेरे को हटा दिया से। इसलिए बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे ना कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले लाला को जो भोजन खिलाती हो वो भोजन का प्लेट मेरे सामने ला के रख देना। देखो ये कब का कथा है, 5,500 वर्ष की कथा है, अभी भी यहाँ पर देखो ना उस सब तरफ में शंकर जी है ना, नंदीश्वर महादेव जब ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है वो चरणामृत, ठाकुर का स्नान चरणामृत हो गया, इसलिए शंकर जी के सर पर चरणामृत डालते हैं, क्योंकि शंकर जी के सर में कौन है? गंगा है। ये गंगा कौन है? भगवान की है चरणामृत, ये गंगा ही चरणामृत, हाँ ये गंगा ही है चरणामृत है। इसलिए अभी भी जब ठाकुर जी को भोग लगता है ये प्लेट सीधा शंकर जी को पास में जाते हैं। देखो एक चीज सीख कर जाओ, कोई भी चीज बनाओ पहले शंकर जी को भोग नहीं लगानी चाहिए। माँ देवी को भी कोई, हनुमान को भी नहीं, गणेश को भी नहीं, कोई चीज डायरेक्ट भोग नहीं लगानी चाहिए। शिव पुराण में तो बताया शंकर जी का डायरेक्ट प्रसाद खाने पर कुत्ते जन्म में जाना पड़ेगा। इसलिए कोई भी चीज हो पहले कृष्ण को हो राम को हो भोग लगाओ, क्योंकि शंकर जी वैष्णव नाम जथा शक्ति, हनुमान को जितने भोजन कराओ हनुमान और ठाकुर जी के प्रसाद वो यहाँ पर शंकर भी ग्रहण करते हैं। इसलिए यहीं पर श्री हमारे श्री राधा रानी यहीं पर क्या करती थी, यहीं पर रसोई बनाने के लिए राधा रानी यहीं पर आया करती थी, कृष्ण के लिए बड़ी सोई से देखती थी, क्योंकि देखना हम लोग दाल बाटी चूरमा खाए प्रसाद पर कोई बढ़िया चीज हो ना, आप जो भोजन करोगे देखना मुंह का आकृति भी बदल जाती है, मुंह का रक्त बढ़िया आनंद दिखा क्या बढ़िया बना चटाचट
हैं, बढ़िया खुश हो गए। अगर कोई चीज बढ़िया नहीं बनेगा तो प्रेम से खाओगे नहीं खाओगे? इसलिए राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती थी, इसलिए राधा रानी के झरोखे से देखती थी कृष्ण कैसे भोजन कर रहे हैं। और जब कृष्ण एक एक चीज को भोजन करते थे, कृष्ण जब अंगुल चाट चाट कर खाते थे, राधा रानी देख देख करके प्रसन्न होती थी, क्योंकि मेरी बनाया हुआ वस्तु को कृष्णा भोजन कर रहे हैं, कृष्णा इसको भोजन कर रहे हैं। यहीं पर राधा रानी जब कृष्ण के लिए रसोई बनाया करती थी, एक राधा रानी की शरीर कैसे इतने कोमल, राधा रानी की शरीर है चंद्रमा का किरण अगर राधा जी के शरीर में पड़े तो राधा रानी को कष्ट लगता है। लेकिन 10 15 20 भाटी यहाँ पर चूल्हा, चारों तरफ में चूल्हा जल रही है, राधा रानी बीच में बैठी हुई, सारे सखियां चारों तरफ में, और राधा रानी जब उसको बीच में रोसे बनाते हो, अब तो गैस आ गया, आनंद दिन आ गया। लेकिन पहले जो चूल्हे में नहीं तो कंडे से रोसी बनाया करती थी, लकड़ी से, आपको बताऊंगा कौन लकड़ी से तुम रोसी बनाया, हाथ उठा ये माता जो बड़े हुए हैं, जहाँ पर 10-20 जहाँ पर भाटी जलता हुआ हो अगर उसको बीच में बैठो कितने गर्मी लगेगा। लेकिन राधा रानी कृष्ण चिंता में इतने तन्मय रहती थी, उनको लगती थी जैसे एयर कंडीशन रूम में बैठ करके मैं कृष्ण के लिए रसोई बनाती थी। ललिता को विशाखा बोले, विशाखा जल्दी ये सब्जी बनाओ, ललिता ये सब्जी बनाओ, कृष्ण आने का समय हो गया है, कृष्ण अभी आने वाले। जब कृष्ण यहीं पर गोचारण करके आते थे, कृष्ण को गोपियां स्नान कराया करती थी, कृष्ण यहीं पर बैठ करके नंद बाबा को साथ में बैठ करके यहीं भोजन किया करते थे। यहाँ से फिर राधा रानी रसोई कृष्ण के लिए बना करके फिर चली जाती थी, कहाँ जाबट चली जाती थी। जब जाबट चली जाती थी उसी समय में राधा रानी इतने दुखी हो जाती थी, क्यों? कृष्ण से बिछड़ रही है, कृष्ण से बिछड़ रही है, राधा रानी बड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन उसी समय कृष्ण अपना इशारा करते थे, बोले राधे कोई चिंता मत किया करो, मैं थोड़ी दूर बाद तुम जो जल्दी जल्दी जाबट जा करके, फिर राधा रानी जाबट से फिर सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड जाती थी, बोले हे राधे कोई चिंता मत करो, फिर कुछ देर बाद में तेरे को मैं जाबट जाबट में मिलूंगी। इसलिए उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब जाते हैं ना, उदाहरण दिया जैसे मछली को पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंकते हैं ना, अगर कोई मछली अगर फंस गया तो फंस गया और निकल नहीं सकता है, उसी तरह राधा रानी की मन को कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, अपना राधा रानी की मन रूपी मीन को कृष्ण अपना प्रेम रूपी जालों में फंसा करके राधा रानी के मन प्राण चित्त को लेकर के चले जाते थे। और राधा रानी जब यहाँ से जाती है ना, जैसे एक पुतला को जैसे ले जाए सखियां, ऐसे ही राधा रानी को यहाँ से जाबट ले जाए करते थे। इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, श्रुति मितरे स्मृति मितरे भारत बन्ने भवभीता अहम तो नंदम बंदे जस्या लिंद परमा को वंदना करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर परापर तत्व परम ब्रह्म कृष्ण, यहीं पर नंद बाबा का आंगन में उनके घुटन पर घुटपन घुटपन पर यहीं पर कृष्ण चलते थे। इसलिए ये जो स्थान है ये नंद भवन है, नंद बाबा का यही महल है जहाँ पर कृष्ण यहीं पर रह करके सुंदर सुंदर उन्होंने लीला की। इसको बाद में फिर हम यहाँ से हम लोग जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, तेर कदम कृष्ण जहाँ पर वृक्षम को पर चढ़ करके, जहाँ पर गोपियों को गैया को, जहाँ पर उन्हें तेर मतलब होते है बुलाना, जहाँ पर बुलाया करते थे, जहाँ पर रूप गोस्वामी भजन करते थे, अभी हम वहाँ पर उनकी भजन स्थली पर जाएंगे। ठीक है, देखो नियम है, जब हम किसी धाम में जाते हैं ना, वहाँ की जो पंडे हैं उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, इसलिए यहाँ के लिए हमारी ब्रजवासी पट्टा आप लोग जो समर्थ है, अब थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ ना इनको देना आप लोग। ठीक है।